वो तो ये भी बोले कि बिहार में हर घर में नल जल का पानी आ गया, तो आ गया नल जल का पानी, पानी भी नहीं आया तो झूठ बोले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से। तो कोई मुख्यमंत्री जो ऐसे झूठ बोलता हो उसे सत्ता में रहना चाहिए क्या? तो तैयार है मुख्यमंत्री को बदलने के लिए? सात निश्चय योजना मुख्यमंत्री जो लेकर आए उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचार हुआ? सात निश्चय में हुआ? साथियों, हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने लिखा है कि जितनी ऐसी योजनाएं हैं सात निश्चय जितने हैं, हर उस योजना की जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होगा भले वो मुख्यमंत्री स्वयं क्यों ना हो उन्हें जेल भेजने का काम हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में हम लोगों ने शराबबंदी लागू कर दी। बताइए क्या शराबबंदी लागू हो गई क्या? खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रसूल था लोगों के घर में शराब की होम डिलीवरी होती है कि नहीं होती है? बताइए भैया, वो जो तस्कर बने हैं, तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है? नीतीश कुमार की जेब में जाता है। आप लोगों को पता है कि नीतीश कुमार जी की जेब में जाता है? किस किस को पता, हाथ खड़ा करो। तो अगर आप सब लोग जानते हैं कि तस्करी का पैसा नीतीश कुमार की जेब में जाता है तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? तो उनको कहां जाना चाहिए? जेल में। मुख्यमंत्री को जेल में जाना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि मुख्यमंत्री जेल में जाए? हाथ खड़ा करे। आप सब लोग चाहते हैं। तो चलिए, ये वादा रहा चलाता आसान का, क्या भी सरकार बनने के बाद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू होने के बाद तमाम विषयों की सात निश्चय शराबबंदी की जांच करवाई जाएगी और अगर मुख्यमंत्री भी दोषी पाए गए तो इनको भी जेल भेजने का काम हमारी राज्य सरकार। साथियों, अभी मैं गया था दो दिन पहले सीतामढ़ी, माता सीता का आशीर्वाद लेने। यहाँ पर इतनी भारी संख्या में माताएं मौजूद है। सीतामढ़ी माता सीता का आशीर्वाद लेने गया था। मैं खुद अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं मानता हूँ कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है, माता सीता नारी स्वाभिमान का स्वरूप है और माता सीता भगवान राम बिना अधूरी है और भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं। इसीलिए सीतामढ़ी से मैं संकल्प लेकर आया हूँ कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है उसी तरीके से सीतामढ़ी में भी माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। साथियों, मेरी आस्था से तो जुड़ा ये विषय है, पर साथ में सोचे जितने ऐसे तीर्थ स्थल है एक एक कर अगर वे विकसित होने लगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने लिखा है कि जितने धार्मिक पर्यटक स्थल है उसको विकसित कर हम लोग रोजगार के नए अवसर बनाएंगे, वहां पर होटल खोलेंगे, रिजोर्ट खोलेंगे, शैक्षिक संस्थान खोलेंगे, सोचे कितना रोजगार मिलेगा। और ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल है, भले वो लछुआ में भगवान महावीर का हो या वैशाली में हो या बोध गया में गौतम बुद्ध का हो या गुरु गोविंद सिंह जी का हो पटना साहिब में, एक एक कर जितने ऐसे धार्मिक स्थल है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सैलानी बाहर से आएंगे, सोचिए प्रदेश का राजस्व कितना बढ़ेगा। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट काम करना चाहता है। पर मुख्यमंत्री जी अभी भी हमें जातियों में बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, जबकि हकीकत में बिहार में अगर कोई एक जाति है तो वो है गरीबी की जाति। और उस गरीब जाति में हर जात का धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक समूचे बिहार का विकास नहीं होगा। जब तक हर गरीब के हाथ को काम नहीं मिलेगा, वो अपना खुद कमाएगा नहीं, खुद खाएगा नहीं, तब तक बिहार विकसित नहीं होगा। और इसी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ रहा है। अगले छह दिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। छह दिन जात का धर्म मजहब भूलकर सिर्फ बिहारी बनकर हर एक गांव, हर एक गांव, हर एक व्यक्ति के पास आइए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में बताइए।
और उसके बाद अपना मतदान कीजिए। क्या आप लोग आशीर्वाद है हमारा? बिहार से बदलाव को हटाना, भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री को हटाना, बिहार फेस बिहारी फेस को लागू कराना है, तो उसके लिए क्या करना होगा भैया? कौन से नंबर पर? चार नंबर पर। सबको बताओ चार नंबर, सब लोग हाथ उठाकर दिखाए चार नंबर। चार नंबर पर, चार नंबर पर छाप क्या होगा और इसके सामने नाम क्या होगा? मेरे छोटे भाई विनय जी का नाम होगा वहां पर। साथियों एक एक साथियों विनय जी के दिल में वो सुनकर चिराग पासवान के पास आएगा।